हिंद वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे सात फेरों वाली सीरीज 4.0 यानी चौथी सीरीज जो सात फेरों वाली है उसके एपिसोड दो नंबर एपिसोड टू के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इस क्लास में आपका जीएस और यूपी जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों कवर किया जाएगा। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, यानी www.के आविष्कारक कौन है। टीम बर्नर्स-ली आविष्कारक हैं। ओपेनहाइमर के आविष्कारक कौन है, ओपेनहाइमर जो है इन्होंने किसकी खोज की, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है दोस्तों। यदि बात करें वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। सोरेनसन ने क्या किया, पीएच स्केल की खोज की, और इसमें पीएच स्केल में 0 से लेकर के दोस्तों 14 तक के जो नंबर होते हैं, 0 से 14 तक के नंबर पीएच स्केल में होते हैं। 0 से 7 के बीच का डिफरेंस अम्ल बताता है, 7 से 14 के बीच का जो मामला होता है वो दोस्तों क्षार बताता है, और 7 नंबर दोस्तों उदासीन होता है। रॉन्जन ने किसकी खोज की, एक्सरे की खोज की। इसके लिए फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार रॉन्जन जी को मिला 1901 में। जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत खोजा। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और बताया कि नाभिक तनावेशित होता है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका और जीवाणु की खोज की। दोस्तों यदि बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 में दोस्तों पहुंचा था, तब से हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च कब होता है, 14 जुलाई को। इसमें लैंडर विक्रम है, रोवर दोस्तों प्रज्ञान है। यदि बात करें 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन यहीं पर स्टार्ट होता है। 1 अगस्त को www. यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस, 20 जुलाई शतरंज दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 1 जुलाई जीएसटी डे और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। यदि बात करें 4 जुलाई को दोस्तों अमेरिकन स्वतंत्रता दिवस यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 1947 यानी 22 जुलाई 1947 को मैं तिरंगे को अपनाया गया। तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसके डिजाइनर कौन है, पिंगली वेंकैया है। टोटल 10 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। तो लखनऊ में कौन कौन से हैं, बीरबल सहनी वाला है, गन्ने का है, विष का है और औषधि का है। औषधि को हम लोग दोस्तों ड्रग भी कहते हैं, क्या कहते हैं मित्र, ड्रग भी कहते हैं। उपोष्ण बागवानी भी कहाँ है, लखनऊ में है। कानपुर में चीनी वाला है, वस्त्र वाला है, दलहन यानी केंद्रीय दलहन संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ, कानपुर में। चीनी वस्त्र दलहन कानपुर। इज्जत नगर कहाँ है, बरेली में। यहाँ पशु और पक्षी दोनों को इज्जत चाहिए, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। वाराणसी में क्या है दोस्तों, सब्जी का है और हैंडलूम का अनुसंधान संस्थान है। चौथा प्रश्न, पहली बार जनगणना कब होती है, तो पहली बार जनगणना दोस्तों 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई। 1881 में रिपन के शासनकाल में दशकीय वैज्ञानिक आधार पर जनगणना हुई। 2011 में जो जनगणना हुई दोस्तों वो 15वीं नंबर की थी। रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। रिपन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ। रिपन के समय ही इल्बर बिल विवाद होता है दोस्तों। कर्जन के समय क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय सती प्रथा का एंड होता है 1829 में। RRMR यानी राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया 1829 में, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। यदि बात की जाए विधि आयोग की स्थापना, विलियम बेंटिक के समय हुई। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, मैकाले थे। कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहते हैं और इसे पुलिस तथा सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। रीड और मुंडो ने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की। हार्ट मैकेंजी ने महलवादी व्यवस्था स्टार्ट की है। वेलेजली को सहायक संधि, वेलेजली ने क्या किया दोस्तों, सहायक संधि प्रारंभ की। और पहली बार सहायक संधि किसके साथ होती है, हैदराबाद के साथ होती है, 1798 में होती है। कब होती है मित्र, 1798 में हुई। यदि बात की जाए चेम्सफोर्ड की, तो चेम्सफोर्ड के समय 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। मिंटो के समय 1909 का मार्लो मिंटो एक्ट आता है। इसी में दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ। कैनिंग के समय क्या होता है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। 1857 की क्रांति के वायसराय कौन था,
कैनिंग था। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। इलाहाबाद का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा दोस्तों? इलाहाबाद में पढ़ा। लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है जो कि रिपन के समय इंड हुआ था, इसे गला घोटू एक्ट भी कहते हैं। और 1878 में लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। लिटन का अन्य नाम यदि पूछा जाए तो क्या है? ओविन मेरीडेथ है। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय दोस्तों कैनिंग। यदि बात की जाए स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन? तो सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न 2024 5 लोगों को मिला है। और भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ? 1954 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1954 से स्टार्ट हुआ। अब की 5 लोगों को मिला, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन को मिला। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर को होता है, इसलिए हम लोग 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाते हैं। यदि बात की जाए पंडित बिरजू महाराज की तो 1986 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। ये कथक से संबंधित है, कालका बिंदारिन या लखनऊ घराना इनका घराना है। सितारा देवी दोस्तों कथक से संबंधित है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग श्रीमंत गांधी भी कहते हैं। और ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। दूसरा विदेशी जिसे भारत रत्न मिला वो नेल्सन मंडेला है। खान अब्दुल गफ्फार खान का दल कौन सा था? तो लाल कुर्ती दल या फिर खुदाई खिदमत गार्ड इनका दल है। छठा प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में की। 1939 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर समाज की स्थापना की और इनकी किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ज्योतिबा फुले इनकी बुक का नाम गुलामगिरी है। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की किताब यानी SCB सुभाष चंद्र बोस की बुक का नाम इंडिया स्ट्रगल है। हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? सर्वन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की 1905 में। यदि बात की जाए आत्माराम पांडुरंग की तो 1867 में उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और जो शांति निकेतन है दोस्तों 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल है। DBN दादा भाई नौरोजी इनकी किताब का नाम पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इन्होंने पारसी समुदाय की स्थापना की थी। इनकी पत्रिका का नाम राष्ट्र गुफ्तार है दोस्तों। यदि बात करें स्वामी विवेकानंद की इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। कब की? 1897 में की। और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ? बेलूर मठ कोलकाता में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा, इसलिए दोस्तों 25 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। 23 जून 1894 को IOC की स्थापना यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। IOC के हेड कौन है? थॉमस बॉक इसके हेड हैं दोस्तों। यदि बात करी जाए पहला ओलंपिक कब होता है? तो 1896 में होता है, एथेंस ग्रीस में हुआ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 2015 में पहली बार मनाया गया। अब की जो मनाया जाएगा इसका क्रम कौन सा था? 10वां था। इसकी थीम स्वयं और समाज के लिए योग। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 14 जून को रक्तदाता दिवस। कार्लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। 11 जून को दोस्तों फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 1 जून को दुग्ध दिवस मनाते हैं, वो भी विश्व दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या फिर संविधान दिवस भी मनाते हैं। बात करें 8वें प्रश्न की दोस्तों, तो 8वां प्रश्न है बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ होती है? तीसरी संगति होती है पाटलिपुत्र में अशोक के समय। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया बिहार में, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिला। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। उनको मोक्ष की प्राप्ति कुशीनारा यूपी में होती है। यदि बात करें पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कुंडलवन कश्मीर में होती है कनिष्क के समय। यहाँ पे बौद्ध धर्म के दो भाग हो जाते हैं, हीनयान और महायान दोस्तों। यदि बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुरपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक हैं। महाजनपद कितने हैं? 16 हैं, जिसमें से 8 महाजनपद यूपी में है दोस्तों। बौद्ध धर्म का अगुत्तर निकाय महाजनपद का वर्णन करता है। दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था? तो अश्मक था, जिसकी राजधानी पोटन पोतली राजधानी है दोस्तों। नवा प्रश्न है सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। केचवा पालन वर्मी कल्चर, बागवानी हार्टी कल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती वीटी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाती है दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न है यूपी में सर्वाधिक वनावरण कहाँ है? सोनभद्र में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट स्टार्ट कब हुई? 1987 से। 2 वर्ष में एक बार आती है और देहरादून से आती है।
2021 में जो वन रिपोर्ट आई वो 17वें नंबर की थी, 17 नंबर की। यूपी में वन परसेंटेज में कितना है, 6.15% है। वृक्ष परसेंटेज में देखें तो 3.08% है दोस्तों। यदि कुल परसेंटेज की बात करें तो 9.23% कुल है। कुल कितने परसेंट वन का है, 9.23% है। यदि पूछी जाए वृद्धि में, यूपी में +20 12 किलोमीटर² के क्षेत्रफल में दोस्तों वनों की वृद्धि हुई है यूपी में। यदि बात करें क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर सोनभद्र है, न्यूनतम भदोही या संत रविदास नगर है। भदोही को हम लोग कालीन का केंद्र भी कहते हैं। किसका केंद्र दोस्तों, कालीन का केंद्र कहते हैं। परसेंटेज में यदि सर्वाधिक वन देखे जाए तो सोनभद्र में है, न्यूनतम संत रविदास नगर में है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है, सहारनपुर में होती है, न्यूनतम वृद्धि सोनभद्र में हुई। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, कम जनसंख्या महोबा में दोस्तों। इसी के साथ आपका ये वीडियो दोस्तों क्लास समाप्त होती है। यदि आपको जनसंख्या या फिर जनगणना कब दोस्तों डिटेल चाहिए तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जनसंख्या जनगणना के नाम से दोस्तों वीडियो पड़ी हुई है। वहां पे आपको जनगणना का 5 मिनट की वीडियो में आपको जनगणना के अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मिल जाएंगे। वहां से आप अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।